छोड़ लो यार, पीछे से लाइट छोड़ लो यार, आगे आगे ये सामने का बंद करवाओ ना लाइट। मैडम गांधी जी सेंटर ये बोल दादा, मैं लेफ्ट से शुरू करूं? यस सर। दानी मेरे पत्रकार भाई बहनों को सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ। कामिनी खन्ना म्यूजिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का व हमारे प्रेस के भाई बहनों का स्वागत है। मैं कामिनी खन्ना एज ए राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, आरजे, एंकर एंड फाउंडर ऑफ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की हैसियत से आज 26 वर्षों से आप सभी के बीच हूँ। माँ जीवदानी की कृपा से और आपके सहयोग से 300 एड्स लिख चुकी हूँ, जिंगल्स बना चुकी हूँ, 700 धुने मेरी रेडी हैं जो कि अब तक रिलीज नहीं हुई। जितनी रिलीज हुई उसमें से आपने कुछ देखा होगा। मोर देन 300 भजन कार्यक्रम एज ए सिंगर किए हैं, 20 पुस्तकें एज ए राइटर लिखी हैं, 14 चैनलों पर अपना शो ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी चलाया है, मतलब उन्हीं के सहयोग से, और अब आरजे हूँ 92.7 बिग एफएम पर। अपने दो यूट्यूब चैनल रन करती हूँ मैं, पहला ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी जो कि 22 लाख व्यूज पार कर चुका है और जिसके 21,000 सब्सक्राइबर्स हैं। दूसरा अभी बेबी चैनल है, हमने पिछले साल लॉन्च किया था और उसमें तकरीबन 20 नंबर्स आ चुके हैं। कामिनी खन्ना म्यूजिक YouTube/ कामिनी खन्ना म्यूजिक जो कि आपके समक्ष विभिन्न प्रकार के म्यूजिक को लाने के लिए कटिबद्ध है। अब आप बात करेंगे, मेरी सुपुत्री ठीक है, रागनी जी का आदेश है कि मैं पहले अपनी बात कर लूं। बच्चों का आदेश सर्वोपरि। पहले उनका होने दीजिए, पेरेंट्स फर्स्ट। 26 साल की मेरी तपस्या, ये दो चैनल्स हैं जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। कई सारा काम किया मैंने, कई सारी कैस्टें, अंबाजी मेरी अंबाजी जो 3 करोड़ से ऊपर सेल हुई थी, चंचल जी की जिसका भजन बहुत मशहूर है, भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी सी कन्या, फिर गोविंदा जी अभिनीत गंजे की खोपड़ी, तेल नवरत्न से चोपड़ी जो मेरा ऐड था, और इसके अलावा भी कई सारे ऐड शाहरुख जी के, अमिताभ जी के, कई सारे और महानुभावों के मेरे आ चुके हैं। केयर वर्ल्ड पर मेरा 14-15 साल से शो चल रहा है जो वो उतारते ही नहीं है, पिछला ही दिखाए जा रहे हैं, और अभी इनर एंड आउटर ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी कई सारे चैनल्स पर, एबीपी न्यूज समेत, आज तक समेत मैं कई सारे शोज कर चुकी हूँ। पिछले 5.5 सालों से मैं आरजे हूँ 92.7 बिग एफएम पर। मेरा एक शो आता है रोज सुबह 6 से 7 ऑल ओवर इंडिया, शहर स्पिरिचुअल शो है, एस्ट्रोलॉजिकल शो है जो आप सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। सबसे ज्यादा मशहूर हो गई थी, वायरल हो गई थी मेरी वेट लॉस जर्नी जो कि 40 kg मैंने शट डाउन किया था, और बस अभी फिलहाल मैं इस गाथा को यहीं विश्राम देते हुए आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगी कि कामिनी खन्ना म्यूजिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबसे पहले आपको गणपति बाप्पा मोरया बोलते हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुरुमदेव सर्व कार्येषु सर्वदा अपना एक वीडियो ऑडियो आपको दिखा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा, वो देखने के बाद दूसरी कड़ी और फिर तीसरी कड़ी। धन्यवाद एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आई डोंट नो व्हाट टाइम इट इज, गुड आफ्टरनून। हड़ू हड़ू काय करते थे। हाँ जी, 98 की बात है जब मैं बहुत छोटी थी, गाना सीख रही थी, एक म्यूजिक एल्बम आई थी जिसका नाम था गोविंदा पॉप एल्बम। वो गोविंदा जी का पहला डेब्यू था एज अ सिंगर। मेरी मॉम का
म्यूजिक डायरेक्शन और लिरिसिस्ट का भी डेब्यू था इन द पॉप सेक्शन एल्बम. 90s के जमाने में आप सबको याद है जैसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस आया करते थे, हम बहुत सारे गाने सुनते थे, लेकिन धीरे 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 वो चलन कम हो गया. अभी मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं कहीं जा रही थी, मैं एक बहुत ही लेजेंडरी सिंगर से मिली ऑन फ्लाइट, और फिर मैंने सोचा कि ये सब लोग कहाँ चले गए, ये सब लोग क्यों गायब हो गए हैं. 90s के दौर में जो इतने महान सिंगर्स थे, जिनके एल्बम्स आते थे, सिंगल्स आते थे, जिसे सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं, वो सब अब कहाँ हैं. सो दिस इज माई ट्रिब्यूट, दिस इज माई थैंक्स गिविंग टू देम बाई चूजिंग अ नंबर फ्रॉम माई मदर्स एल्बम एज अ ट्रिब्यूट टू गोविंदा जी, टू ऑल द लेजेंडरी सिंगर्स ऑफ 90s, एंड ऑल्सो माई डेब्यू इन द सिंगल जोन. एक छोटी सी बात मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि जब ये एल्बम बचपन में रिकॉर्ड हो रही थी, तब इस एल्बम के कोरस में मैंने गाना गाया था, और आज मैं उसी एल्बम के एक गाने को चूज कर रही हूँ एज माई डेब्यू एज अ सिंगर. मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं शायद इतनी नर्वस कभी जब तब भी नहीं थी जब मैंने एक्टिंग में डेब्यू किया था. और दैट्स इट, आई हैव नथिंग टू से, आई विल टॉक टू यू ऑल आफ्टर. हाँ, फर्स्ट पहले वीडियो देख लेते हैं. उसके बाद में मेरी मदर ने मुझसे कहा कि आप इसे जारी रखें, बिकॉज उन्होंने जाते जाते आपको ये ब्लेस किया है. फिर मैंने पंडित प्रकाश, पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी के सुपुत्र से, पंडित प्रकाश प्रसाद जी से सिंगिंग की तालीम हासिल की. मैंने 20 साल इंडियन क्लासिकल सीखा. उसके बाद में मैं एक्टर बन गई, और टेलीविजन तो आप लोग जानते हैं हम कितना काम करते हैं, उस वक्त मुझे रियाज करने का वक्त नहीं मिला. और उसी दौरान जब मैं ससुराल गेंदा फूल की शूटिंग कर रही थी, मेरे गुरुजी का देहांत हो गया. तो जब मेरे गुरुजी का देहांत हुआ, उसके बाद मैं 4 साल तक गाना नहीं गा पाई, क्योंकि मैं जब भी गाना गाती थी मुझे उनकी याद आती थी, एंड आई वुड क्राई अ लॉट. इट टुक मी 4 years टू गेट ओवर द लॉस ऑफ माई सिंगिंग टीचर एंड गेट बैक टू माई फर्स्ट लव विच इज सिंगिंग. एंड आज जब मैं आई एम प्रेजेंटिंग दिस सॉन्ग टू एवरीबडी, आई फील लाइक आई एम गिविंग माई मोस्ट प्राइवेट इमोशन, माई मोस्ट मोस्ट sacred space to my audience, and after this I don't think there's anything bigger I can offer to my audience, because this is my sole reason to connect with my spirituality, with my life. Everything in my life has been music, and I'm very nervous and I'm very anxious right now. Not while recording it, where are you? I can't see you, sorry. It's okay. Haan ji. Not while recording it, I was trying to get it right, honestly, because mom was there, she was directing me, and I chose a song of my mother because I would only want to start my singing journey with my mother's blessings. So while I was on the recording mic, I was very scared because usme clicks hote hain, jaise hum shooting karte hain to pehle aapko light ka mark lena hai, aapko shoulder dekhna hai, aapko perform karna hai, waise hi aap jab recording studio mein hote hain, aapke wo earphones hote hain, aapko take kaise karna hai, और आपकी पिच, आपका फिल्टर जो सामने है, हाउ करेक्ट यू हैव टू पिच योर वॉइस फॉर दिस सॉन्ग. क्योंकि ये 90s का गाना है, इस गाने के लिए हमने एक पर्टिकुलर वॉइस टोन यूज़ किया है, जो 90s में बहुत स्वीट सॉफ्ट वॉइस यूज होती थी, इसीलिए. और ये गाना भी वैसा ही है, लाइक अ 16-17 ईयर ओल्ड गर्ल फॉलिंग इन लव विद अ बॉय एंड शी इज इमेजिनिंग एंड शी इज थिंकिंग अबाउट समथिंग. सो द वॉइस क्वालिटी यूज्ड फॉर दिस सॉन्ग इज दैट स्वीट वॉइस. व्हेन आई डू अ सॉन्ग विच इज डिफरेंट इन नेचर, आई विल यूज अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वॉइस. दैट्स माई आइडिया टुवर्ड्स इट. फॉर दिस सॉन्ग वी यूज्ड द स्वीट टेक्स्चर, द 17 ईयर ओल्ड गर्ल फॉलिंग इन लव, होपिंग दैट शी मीट्स हर boy, and I was very nervous, and I'm very nervous again. पहले मैंने ads में debut किया, फिर मैंने television में debut किया, फिर मैंने फिल्मों में debut किया, फिर मैंने non-fiction में debut किया as a host, फिर मैंने as a dancer debut किया, फिर मैंने इंडिपेंडेंट फिल्म्स में डेब्यू किया, फिर मैंने एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म में डेब्यू किया, पिछले साल मैंने थिएटर में डेब्यू किया विद मकरंद सर्स प्ले, इस साल मैंने सिंगिंग में डेब्यू किया. सो आई थिंक देयर शुड बी एन अवार्ड विच जस्ट गिव्स लाइक द बेस्ट डेब्यूज एवर. जी, जैसे आपने कहा, क्योंकि 90 के वक्त पे हमने गाने को सुना, और इसीलिए आपने उस आवाज को बड़ा स्वीट सा रखा है. अगर आपको हम सुने या कोई भी सुनता, बड़ी हस्की वॉइस है, यू नो. तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी यू विल बी सिंगिंग सम फोक सॉन्ग, और अपार्ट फ्रॉम दिस वुड यू बी इंटरेस्टेड डूइंग अ बॉलीवुड फिल्म
apart from your mother, music director, where you love to work with? Absolutely. Absolutely. It was always my ambition to work with very good music directors. It's every artist's ambition is to collaborate with superior craftsmen and superior people who will teach you, who will hold your little finger and will pull you up. So as an artist, that has always been my target. And अगर जैसे मैं गाना गा रही हूँ जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है या जो जैसे कहें जिसमें हस्की वॉइस की ज़रूरत yes. है तो मैं जाहिर सी बात है वैसी ही आवाज़ यूज़ करूँगी. जैसे मैंने एक बार टेलीविजन में गाना गाया था ओ लाल मेरे पास इन द वर्ल्ड ऑफ द सॉन्ग. सो यू द आइडिया इज टू फिट इन टू द वर्ल्ड ऑफ वॉट एवर इज बींग क्रिएटेड इवन एज एन आर्टिस्ट इवन एज एन एक्टर. जब मैंने भास्कर भारती किया तो आई होप्ड टू फिट इन टू दैट वर्ल्ड एंड ससुराल एंड देन आई एम जस्ट ट्राइंग. The last question for me, and one music director you want to work with? Music director today, I'm a very big fan of Rehman sir, and I look up to his work. I think he's phenomenal. And actress of myself, I'm very possessive about my singing. But if I get to collaborate with a good music composer, definitely I'll learn. I just want to learn more. I'll ask it in a different way. Gee. Which actress you feel fit in your voice? You know, your voice fit to her. He said Ragini Khanna. Thank you for the answer. We need your quote. My input towards sir, honestly speaking, as an actor, I have a third person perspective over my performance. As a singer, I'm yet to reach that place of having that level of objectivity towards my own singing. So my favorite actress is Madhu Balaji. I wish she was alive. Hi, main to mar jati hun unke liye gaana gaane ke liye. I'm very fond of Madhu Balaji and us zamane ki jitni actresses thi jaise acha ji main hari chalo maan jao na. Process na iske piche ki main ek saath bahut sare kaam kar raha hu. ये था कि मैं मुझे करियर मेरा 24-27 साल का हुआ है. मैं पहले एज ए राइटर म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर काम कर रही थी जो कि बीच में MP3 आया रेडियो आया तो म्यूजिक कंपनी सब डाउन हो गई और कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री में डाउन हो गई ऐसे लोगों को लाया था. तो मैं मुझे स्ट्रगल करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था जितना पहले काम मिल रहा था. तो आई एंटर्ड इन टू ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी और मैंने वो अपनी कमाई का जरिया बनाया. लेकिन उसके बाद जब उधर मैं सक्सेसफुल हो गई क्योंकि लोगों ने मुझे एज एस्ट्रोलॉजर बहुत ज़्यादा पसंद किया और जो मैं कैमरा के पीछे बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही थी ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर राइटर सिंगर तो वो मुझे इतना संतोष नहीं दे रहे थे जितना ज़्यादा मुझे ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर की हैसियत से बहुत ज़्यादा संतोष और नाम भी मिला. लेकिन अंदर मेरी माँ की आत्मा है मेरा परिवार जो है पूरा आर्टिस्ट है और एज ए राइटर म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर मैं जो पहले 13-14 साल काम कर रही थी उस पर मैं फिर से एंटर की और मैंने सोचा कि मैं अब फिल्म इंडस्ट्री में मेरी ये 700 धुनें मेरी ये 300-400 भजन मैं कैसे पेश करूँगी दोबारा. तो हमेशा एक ऐसी चीज़ होती है कि आप या तो स्ट्रगल करो दरवाजे जो मेरी नेचर में नहीं है. और फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी चीज़ें दिखाने के लिए जैसे मेरा YouTube/BeautyWithAstrology फेमस हो गया अपने आप ही 7-8 सालों में उसके 22 लाख व्यूज़ हो गए 21,000 सब्सक्राइबर हो गए. उसी तरह मैंने अपना चैनल म्यूजिक चैनल लॉन्च किया YouTube/KaminiKhannaMusic. इसके जरिए मैं लोगों तक आप लोगों तक अपना संगीत अपनी आवाज़ और अपने कहते लेखन और जितने लोग मेरे साथ हैं उन लोगों के रागनी है मेरा बेटा है या अमित खन्ना या आप कह लीजिए मेरे परिवार के लोग हैं कई लोग हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं कोई या जो बाहर के बच्चे हैं या बड़े हैं जो भी हैं उन लोगों को मैं चांस दे पाऊंगी उन लोगों का काम मैं खुद कर पाऊंगी बजाय इसके कि मैं लोगों को बोला थक थक करके नॉक नॉक करके पूछूं प्लीज सुन लीजिए मेरा गाना. मैं बड़ी 14 साल काम किया है और मैंने 300 एड बनाई है और मैं
बहुत सक्सेसफुल राइटर म्यूजिक डायरेक्टर रह चुकी हूँ, मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी किया फिल्मों के लिए, लेकिन वो सब बनाने के लिए मेरी नेचर में वो नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने कार्निक अपना म्यूजिक लॉन्च किया। मैम आवाज़ के अलावा लोगों को आपका एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा लगा, तो क्या कहना चाहेंगे उसके पीछे क्या राज है? और राज ये है कि मैं बड़ी पहली बार प्रेस के सामने बोल रही हूँ कि मैं बाय बर्थ में डांसर थी, एक बहुत कम लोगों को मालूम है, मैंने कम से कम 250-300 प्रोग्राम किए 3-4 साल की उम्र में एज ए डांसर, और सब जगह मुझे गोद में उठा के उस जमाने में ले जाते थे और मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता था और मेरे पॉकेट में पैसे ठूंस दिए जाते थे और मैं डांस करके घर आ जाती थी। तो मेरे अंदर एक एक्ट्रेस छुपी हुई थी, मैंने मेरे पिताजी जो बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर रह चुके उन्होंने उनके सहयोग से मैंने 3 पिक्चरें साइन की 15-16 साल की उम्र में, जैसे वापस नन्ही कलियाँ, ये सब जो मुझे मिली थी बाद में वो हाथ से निकल गई मेरे, क्योंकि मेरी माँ को ये पसंद नहीं था कि जो मैं काम कर रही हूँ, तो मैं स्टूडियस बहुत ही पढ़ने लिखने वाली लड़की थी और मैं यूनिवर्सिटी टॉपर थी, तो वो चाहती थी कि मैं पढ़ती रहूँ इसी तरह, और वो हमेशा जो कहती थी मैं मानती थी। सब जानते हैं कि गोविंदा जी भी हमेशा माँ के पुजारी रहे हैं और मैं भी माँ की ज़बरदस्त पुजारी रही, जो उन्होंने कहा बेटा ये काम नहीं करना, तुम एक्ट्रेस मत बनो, लेकिन अंदर एक्ट्रेस तो थी, तो आप लोगों ने जो देखा वो मेरे खून में है। मेरे डैडी हीरो थे, मेरी मम्मी हीरोइन थी, पहले 25 फिल्में ऐसे हीरोइन कर चुकी हूँ, मेरे डैडी ने कई सारी फिल्में ऐसे हीरो की, अब मेरे भाई गोविंदा जी उनको तो कौन नहीं जानता, लेजेंडरी एक्टर है, तो मेरे परिवार में आप कहें एक्टिंग तो रक्त में बसी हुई जी। जिस तरह से इनोसेंस है फेस में, यू नो, नजर आया था इस गाने के बारे में जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन मैं क्यों सॉ मैंने ये पूरा फुटेज ऑफ कोर्स देखा होगा और उनकी पहली बार देखा होगा कोर्स देखा होगा, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड फ्रॉम मदर्स पॉइंट, मैं रो पड़ी जब रागिनी का मैंने ये देखा, बिकॉज क्या होता है आपका आर्ट जो होता है, जैसे रागिनी ने कहा वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होता है ना, जब आप किसी को देते हो अपनी चीज और वो उसको साकार बना देता है, जैसे रागिनी ने साकार किया मेरे सपने को, उसने इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा अभिनय किया और इतने अच्छे से पेश किया उसको कि मेरी आंखों में आंसू भर आए। गोविंदा ने भी बहुत अच्छा गाया था, गोविंदा को जो मैंने गवाया था ये गाना, तो एक्चुअली रागिनी ने अनप्लग वर्जन गाया, कवर गाया, और गोविंदा ने ओरिजिनल गाया था, तो उसने भी पूरी मेहनत की थी और वो एल्बम बड़ा मशहूर हुआ था, गड़बी थी जान और भी कई गाने थे उसमें, पीले स्कर्ट वाली लड़की, पीले स्कर्ट वाली लड़की, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई मेरे अंदर का म्यूजिक डायरेक्टर। जैसे आपने कहा कि आपके और आपके मम्मी के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते थे, तो क्या वही रिश्ते आपकी और रागिनी के बीच में भी, मतलब वैसे ही गाइड करते आप? देखिए पुराना ज़माना नहीं रहा तो आप वो बात अभी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो यस मैन थी और गोविंदा यस मैन था अपनी मदर का, आजकल के बच्चे यस मैन नहीं होते हैं, वो आप नहीं जानते हैं, लेकिन रागिनी शुरू से बहुत ही समझदार व्यक्तित्व है और रागिनी को मैंने कोशिश ये की कि एकदम खंबीर बनाऊँ, उसको धीरज वाली लड़की बनाऊँ, और मैंने शुरू से उसको उसी प्रकार उसका पालन पोषण किया है कि वो एकदम क्या कहते हैं उसको जोरदार व्यक्तित्व रहे, ऐसा नहीं कि वो छुई मुई बनकर कहीं घुस जाए, हम कहीं घुस जाए वो, मैं कभी नहीं चाहती थी कि रागिनी छुई मुई बने, मैंने रागिनी को यहाँ तक कि जेवर भी नहीं पहनने दिए कभी, आप देखेंगे रागिनी बहुत कम जेवर पहनती है, घड़ी पहनती है, या ससुराल के तब उन्होंने उसने आडली पहने उनके घड़ी कोई बड़ी वाली पहनी, तो मैं चाहती थी शुरू से कि रागिनी स्ट्रांग बने, काम करे, हमेशा लोग कहते थे कामनी पंजाबी में, मैं पंजाब शादी हो गई थी मेरी, तो कहते तू अपनी बेटी नहीं ब्याहनी, शादी नहीं करती तुझे बेटी की, तो मैं कहती थी मेरी बेटी 10-11 लोगों की शादी करके फिर शादी करेगी। सबसे निवेदन है सपोर्ट कीजिए YouTube/ कामिनी खन्ना म्यूजिक को, आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा एल्बम अभी लॉन्च हुआ है दरवाजा पे, ठाड़ी रखू रागिनी का एल्बम लॉन्च हुआ है, कभी कभी किसी से इसके अलावा भी गणपति आ रहे हैं, तो
गणपति बापा का सॉन्ग भी आप सुन सकते हैं, आप स्प्रेड कर सकते हैं इसे, और ज़्यादा क्या करो। धन्यवाद। तो लोगों को गाना और एक्सप्रेशन आपका बहुत पसंद आया, और मतलब कितना मोटिवेट करना पड़ा, जैसे आपने कहा कि सिंगिंग ऑलमोस्ट आप छोड़ चुकी थी, उसके बाद मॉम ने आपको इंकरेज किया, तो उस बारे में कुछ बताइए किस तरह से आपको इंकरेज किया मॉम। आज मैं एक ऑनेस्ट कन्फेशन करना चाहूँगी कि पहले मुझे बहुत सारी सिंगिंग अपॉर्चुनिटीज आई थी, और मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेती थी, क्योंकि मैं अपनी सिंगिंग को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव ये नहीं कह सकती थी, अब आ गया है पब्लिक पर, तो मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था ठीक है एक्टिंग कर दी, डांस कर दिया, पोस्टिंग कर दी, अब एक सिंगिंग है जो मैं अपने लिए रखना चाहता हूँ, जो मुझे इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड इट कनेक्ट्स मी विद माय स्पिरिचुअल सेल्फ, नाउ दैट पार्ट ऑफ माय लाइफ आई हैव कैरेक्टर्स, दिस फॉर मी इज अ वेरी स्पेशल मोमेंट, क्योंकि मेरा मेरी लाइफ की जो पहली एस्पिरेशन थी वो थी एक सिंगर बनना, क्योंकि 90s के दशक में मैं बहुत सारे सिंगर्स को देखती थी जो अपनी एल्बम रिलीज़ करते थे, जो अब नहीं होता उतना सब, तो आई एम वेरी हैप्पी एट द सेम टाइम आई एम वेरी नर्वस एंड एंग्शियस बट इन अ गुड। कमेंट इसके अलावा बहुत सारे जो 90s के गाने हैं उसको भी रिक्रिएट किया जा रहा है, तो उसको लेकर आप हैप्पी हो कि मतलब गानों को रिक्रिएट किया जा रहा है अभी, मतलब जो सिंगल्स जो भी आ रहे हैं। आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ ओरिजिनैलिटी एंड क्रिएशन, तो मैं हमेशा जब भी किसी गाने का रिक्रिएटेड वर्जन सुनती हूँ, सबसे पहले आई मेक श्योर आई लिसन टू द ओरिजिनल वर्जन, एंड देन व्हाट समबडी वांट्स टू कम्युनिकेट इन द अनदर इंटरप्रिटेशन, बिकॉज हर डायरेक्टर की हर आर्टिस्ट की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है किसी के आर्ट फॉर्म, सो यस यू हैव टू अकनॉलेज एवरीबडीज इंटरप्रिटेशन टूवर्ड्स अदर पीपल्स आर्ट एंड यू हैव टू कम्प्लीटली एक्सेप्ट, सो आई हैव नो इशूज विद इट, इनफैक्ट मैंने खुद पुराने गाने को अनप्लग्ड कर दिया है इस गाने के द्वारा, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से टेस्ट कीप चेंजिंग, the audience which feeds on digital content is a different section of audience which feeds on Indian classical vocals is a different section of audience, so agar aap theater mein perform kar rahe hain aap ek theater ki apni language hai, cinema ki apni language hai, television ki apni language hai, while wherever you are you have to be authentic to that space. Abhi hum Kamini mein aapse baat kar rahe the, to unhone kaha ki वो आपको एक स्ट्रॉन्ग गर्ल बनाना चाहते थे, जबकि उनकी मम्मी ने उनको कहा था कि मतलब बहुत इंट्रोवर्ट रहना, तो कैसा मतलब आप दोनों का रिश्ता है, अगर उस बारे में थोड़ा सा बताएं कि बचपन से लेकर आज तक अभी भी आप उनके साथ मतलब उनको हमेशा एनकरेज करती है, आज भी हमने देखा क्या कहते हैं। तो मेरी मम्मी की एक छोटी सी बैक स्टोरी है, मेरी मम्मी को जब वो 17 साल की थी 4 फिल्में ऑफर हुई जो उन्होंने शूट की, और मेरी नानी ने उन्हें कहा कि और वो शूटिंग स्क्रैप की गई, उसमें फिर जो आर्टिस्ट को लिया था वो आज की तारीख में दे आर लेजेंडरी एक्टर्स इन टुडेज टाइम, सो माय मदर ऑलवेज हैड दिस एस्पिरेशन ऑफ बीइंग ऑन स्क्रीन एंड शी सेड कि जब तुम एक्टर बनी आई लिफ्ट माय ड्रीम टू यू, हालांकि उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा तुम एक्टर बनो क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं एक्टर बनी क्योंकि मैं चाहती हूँ, और अब मेरी मदर की जितनी एस्पिरेशन हैं मैं उन्हें पूरा करूँ, मैं चाहूँगी कि मेरी मदर जो चाहे वो करे, आई विल मेक श्योर शी गेट्स द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नर्चर हर ड्रीम्स। अगर स्टार्डम की बात करें राधे मैम, तो आपके पूरे परिवार में स्टार्डम है, ऊपर से लेकर नीचे स्टार है, कितना फ़ायदा मिला है सर? मेरे हिसाब से आपकी स्टार है, मैं सबको स्टार समझती हूँ, एवरीबडी हैज सम value addition, something positive or something negative, add and subtract from your life. फ़ायदा मुझे नहीं पता, अगर आप किसी इंसान के साथ जुड़ रहे हैं ये सोच के कि आप इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, मुझे लगता है आप उस इंसान के साथ ना जुड़े उतना नहीं फायदा, फायदा लोगों का फ़ायदा ना उठाएं, चीज़ों को यूज़ करें लोगों का। क्या बात है, दो दिन का सही बात है, एंड स्टिल यू आर टैकलिंग एवरीथिंग, आई मीन यू आर सिंगिंग द सॉन्ग एंड ईच एंड एवरीथिंग,
बहुत बड़ा बच्चा है जो कुछ 3-4 लोगों के सामने एक्सपोज मेरी लाइफ, और मैं बहुत मस्ती कर रही हूँ. I'm not a child. You know they say your child life, your childish. No, I am a child. I love to be treated like a child. I am very happy when my directors treat me like a child. Because when you're a child, you are willing to explore every aspect. You're curious. I aspire to be creatively courageous. I aspire to be creatively curious. And I would want to work with who are creatively common. And obviously superior. No, not now. I don't think I'm as equipped to be a director. I will have to assist somebody and learn the craft of film. As of now, मैंने acting में इतनी मेहनत कर दी है that I don't think it's the right time to divert my attention towards direction. I will do it post I gather a lot of experience. Because to be a director, you have to have a top angle perspective towards everything, and which I aspire to achieve. Lastly, two lines of your song. Okay.